अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। महंगी बिजली और ताजर दो स्कीम के खिलाफ ताजर तंजीमों ने आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की हुई है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के जो तमाम बड़े शहर हैं उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आज बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ताजर यूनियंस ये मुतालबा कर रही हैं कि अशियाए खुरनोश पर विदहोल्डिंग टैक्स का जो है वो वापस लिया जाए और ताजर दो स्कीम जो एक मुतारफ़ करवाई गई थी इसको ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ताजर दो स्कीम के मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ दुकानदारों से 1,000 से 60,000 तक टैक्स वसूल करने का फैसला किया, जिसमें टैक्स का तायुन दुकान जिस इलाके में है और दुकान का साइज़ क्या है उसके तहत किया गया, जबकि जो आर्जी दुकानें होती हैं, जो छोटी दुकानें या खोखे जिनको हम कहते हैं, उनको इससे इस्तस्ना दिया गया है। हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि किसी भी सूरत इस ताजर स्कीम को ख़त्म नहीं किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर राना एहसान का बयान आज के दिन के मुनासबत से अहम था, जिसमें उन्होंने कहा कि ताजरों के प्रेशर में नहीं रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना ही होगा। सुनिए उनकी गुफ्तगू। रिटेल टैक्सेस ताजर दो स्कीम लॉन्च हो चुकी है, देयर इज नो टर्निंग बैक। एंगेजमेंट से नहीं हम भागेंगे, लेकिन हम इस जो रिटेल सेक्टर है उसको इस दफा टैक्स नेट में आना होगा। चेयरमैन एफबीआर ने भी ताजर यूनियंस को बावर करवाया कि ताजर दो स्कीम किसी सूरत में वापस नहीं ली जाएगी, अलबत्ता ताजर बिरादरी के साथ बातचीत जरूर इस हवाले से करेंगे। यहाँ पे नाजरीन आपको ये बताना भी अहम है कि इस वक्त टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका उठा रहा है, जो कौमी खजाने में 375 अरब रुपये का हिस्सा डाल रहा है, जिसके मुकाबले में अगर एक्सपोर्टर्स और रिटेल सेक्टर को देखा जाए तो ये सब कुल मिलाकर 100 से 105 अरब रुपये जमा करवा रहे हैं कौमी खजाने में। हुकूमत के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक रिटेल सेक्टर मुल्क के जीडीपी में 20% हिस्सा डालता है, लेकिन टैक्स वसूली की शराब बहुत कम है। माहिरीन जो है वो हमेशा से इस बात पे हमें मुत्तफिक नजर आते हैं कि रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा ताकि एक मतवाजन टैक्स का सिस्टम पाकिस्तान में बन सके, जिससे किसी भी एक तबके के ऊपर टैक्सेस का ज्यादा बोझ ना पड़े। मौजूदा हुकूमत की बात करें तो ये टैक्स असलाहत को अपनी अव्वलीन तरजीह करार देते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी बजट तकरीर में इस हवाले से क्या बात की थी, सुनिए। एफबीआर ने ऐसे इकदामात का असूली फैसला किया है जिसके तहत ताजरान, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि जो दुकानदार एफबीआर की ताजर दो स्कीम का हिस्सा नहीं बनते उनके खिलाफ सख्त इकदामात किए जाएं। वाज़े मौकिफ इस हवाले से वज़ीर ख़जाना ने अपना सामने रखा। आज ज़राए से एफबीआर के हवाले से भी इसी किस्म की खबरें आ रही थी कि स्कीम को तो वापस नहीं लिया जाएगा लेकिन बातचीत हो सकती है। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ताजर तंजीमों के मुतालबात दुरुस्त हैं या फिर ये हड़ताल टैक्स से बचने के लिए एक तरीकाकार है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अजमल बलोच साहब, आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन नेता के। हमारे साथ शहबाज राना साहब हैं, हमारे सीनियर कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। हमने डॉक्टर इकरामुल हक साहब को भी दावत दी है, आप सीनियर इकोनॉमिस्ट और माहिर टैक्स अमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं अजमल साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ये चाह रही थी कि आप इस पर बात करें, जो ताजर दो स्कीम है इससे इतने ज़्यादा इख्तलाफात क्या कि इसको वापस लेने के लिए आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, बुनियादी एतराज़ात हमें बताएं। जब ये स्कीम लाई गई, ताजर दो स्कीम, हमें बुलाया गया, हमें बताया गया कि ये स्कीम ये है कि 1200 रुपए वो नॉन फाइलर के लिए, फाइलर के लिए नहीं है, नॉन फाइलर 1200 रुपए अदा करके रजिस्टर्ड हो जाएगा, नेट में आ जाएगा, अगले साल वो रिटर्न फाइल करेगा अपनी इनकम टैक्स की। जो लोग जैसे जिस कानून के तहत पिछले लोग दे रहे हैं पुराने, इसी कानून के तहत वो भी अदा करेगा। ये मामला 4 महीने चलता रहा, हमें सच नहीं बताया जा रहा था। हमारी आखिरी मीटिंग जो चेयरमैन एफबीआर चले गए हैं उनके साथ जब हुई तो हमने कहा हमारे साथ सच बोलें, हमें बताएं ये है क्या है, ये बात कुछ ऐसी चीज़ें एफबीआर की जानिब से आ रही हैं जो हमें समझ नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वैल्यूएशन टेबल बनाया है हमने, आईएमएफ के कहने पे वैल्यूएशन टेबल बनाया है कि आपका जो इनकम टैक्स का तरीका कार है वो हमने बदल दिया है। वो ये होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, यानी दुकान तो मालिक की है, अंदर किराएदार है, ज़्यादातर 99% किराएदार है, मालिक दुकान नहीं चलाता है, किराए पे देता है। जो किराएदार बैठा है, दुकान की कीमत अगर 5 करोड़ रुपया है, इसकी डीसी वैल्यू से या एफबीआर वैल्यू से 5 करोड़ है, तो उसका 10% आपकी इनकम तसव्वुर होगी। भाई दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, दुनिया में ऐसा इनकम टैक्स लेने के लिए नहीं है। आप कैसे ये वैल्यूएशन टेबल, वैल्यूएशन पे आप टैक्स ले रहे हैं, तो उस वो जो इनकम होगी, यानी 5 करोड़ पे आपकी 50 लाख आमदन होगी जो हम मानेंगे, उस पर आपको
इनकम टैक्स अदा करना होगा 35%, 17.5 लाख रुपए वो कहां से देगा भाई किराएदार दुकानदार। इतना टैक्स आप क्यों लगा रहे हैं? आप IMF से मुआहदे, अपने खराजात आप कम नहीं कर रहे हैं, अब बड़ी गाड़ियों से आप नीचे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन स्टेट अब ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है कि स्कीम को वापस लिया जाए? ये भी तो कहा जा सकता है कि हमसे बात करके कुछ तब्दीलियां की जाए, जो आज FBR हमें विलिंग नजर आ रहा है, कहते हैं कि हम बात जरूर करेंगे। पिछले चेयरमैन FBR साहब ने हमें कहा कि आप क्या कहते हैं, तो हमने उनको लिख कर दे दिया, लिख कर दिया कि आप इस स्कीम को, हमने एक्सेस दी FBR को कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनको आकर रजिस्टर्ड करें। पहले तो कोई FBR का बंदा घुसता ही नहीं था जानबूझ के, अब भी इनके लोगों से पैसे ले लेते हैं और लोगों को रजिस्टर नहीं करते। आज तक जो नाकामी FBR की सिर्फ इस करप्शन की वजह से है। टैक्स कम जो लोगों FBR को मिलता है, वो जो अफसर बैठा है टैक्स वाला, वो कहता है मुझे दे दो, मेरी जेब में डाल दो, तेरे ऊपर 5 बनता है, 50 मुझे दे दो, तुम 50 जमा। शौकत अजीज की तरफ पे अगर ये करते हैं, यकीन करें, उन्होंने जब सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी थी FBR को हमसे दूर कर दिया था, हमने 10% बढ़ा के जब जमा कराया तो 3 गुना, उन्होंने ऐलान किया जब वजीर खजाना के 3 गुना ज्यादा टैक्स आया। वो स्कीम 8 साल रही वहां पे, पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल उसी स्कीम को फॉलो किया। तो जब से डार साहब आते हैं, नून लीग की हुकूमत आती है, हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। अब इस हवाले से भी कुछ दो राय पाई जाती है। आज जो एहतजाज हुए उसमें कहीं आमना सामना भी हो गया नून लीग को सपोर्ट करने वाले ताजरान का, लेकिन मैं डॉक्टर इकराम साहब की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर इकराम साहब, आपको यहाँ पे इस स्कीम के हवाले से अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन का कुछ फुकदान और मसला नजर आता है, जैसा कि अजमल साहब कहते हैं बताया कुछ किया गया और किया कुछ और गया, या फिर आप समझते हैं कि ये काबिल अमल नहीं हमारे निज़ाम को देखते हुए, जो FBR की भी कारकर्दगी रही और जिस किस्म की शिकायात रहती हैं? ये जाहिर है, जब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर आपका एतमाद ना हो और उसका रवैया भी इंतहाई जो नामनासिब हो, यानी कि जो लोग टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करते हैं फिर उनको पिछले 5 साल के नोटिस आ जाते हैं और रिटर्न भी इतनी पेचीदा हमने रखी है कि हम चाहते हैं कि वो यकीनी तौर पर किसी टैक्स एडवाइज़र के पास जाएँ और वहाँ भी बदकिस्मती से अखलाकियात का फुकदान है और जिस तरीके से वो क्लाइंट्स को तंग करते हैं और जिस तरीके से वो टैक्स मशीनरी से मिले हुए हैं, तो बजाय लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के, ये स्कीम तो पहले दिन से ही नॉन स्टार्टर थी। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने का जो पर्पज़ और उनसे कोई कैपेसिटी टैक्स लेने का एडवांस का मसला है, वो कुछ हद तक तो बिजली में हमें पता है जो भी इस्तेमाल कर रहा है वही अदा करता है वो टैक्स, जो कि हर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के साथ सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों वसूल किए जाते हैं। और दूसरे आप देखिए कि सारे मोबाइल यूज़ करते हैं, वहाँ भी 15% लिया जा, टैक्स की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से दूर है, तो इसमें कबाहत तो फिर हमारी टैक्स पॉलिसी की है। जब हमने तय कर लिया कि हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वही हमारा जो है वो अब इंडिविजुअल के केस में वही NTN ट्रीट होगा, तो फिर क्या मुश्किल है कि हम उन सब लोगों को जो अडल्ट हैं उनको रजिस्टर करके IMF को बता दें जी भले वो रिटेल का काम कर नहीं पाता, वो किसी पे डिपेंडेंट है, कम से कम वो टैक्स के रोल पर, क्योंकि उससे आप टैक्स तो वसूल कर रहे हैं ना। मोबाइल से बड़ा तो आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है कि इस वक्त तकरीबन 140 मिलियन तो उसमें मैं रोज उसका मॉनिटर करता हूँ हर महीने, तो PTA भी बताती है, तो उसमें से अगर हम यूनिक मोबाइल यूजर निकालें तो वो 70 मिलियन से तो कम नहीं है। तो इस वक्त सारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो अडल्ट है वो टैक्स तो 15% अदा कर रही है ना। अब इन्होंने कह दिया कि उसमें जो नॉन फाइलर होगा वो 70-75% भी उसका हम काट लेंगे। जब आप टैक्स ही लिए चले जा रहे हैं और मशीनरी के पास दूसरा इंटरफेस नहीं है कि उनको ऑटोमेटिकली उनसे रिटर्न का, और रिटर्न का मुतालबा आप सादा एक फॉर्म से कर सकते हैं कि आप कोई काबिल टैक्स आमदनी है या आपके, और अगर आपको काबिल टैक्स आमदनी है तो आप आमदनी बता दीजिए और उस पर हम टैक्स ले सकते हैं। फिर ये इतनी मुश्किलात पैदा करने का क्या मकसद है? मेरे ख्याल में अगर हम कभी कैपेसिटी टैक्स की तरफ जाते हैं, कभी हम एडवांस टैक्स की तरफ जाते हैं, कभी हम विदहोल्डिंग, लेकिन हम रिटर्न्स क्यों नहीं ले पाते? सोचने की बात तो ये है। और जो रिटर्न्स आती भी हैं उनमें से हम जानते हैं कि 70% रिटर्न्स तो बेकार होती हैं, उसमें सिर्फ वो नॉन फाइलर का टैक्स बचाने के लिए होती हैं। जनता इतने साल ये अकीदा रहा हो कि उसको टैक्स पॉलिसी भी उसके हाथ में हो, टैक्स लेजिस्लेशन भी उसके हाथ में हो और उसको काम करने का कोई तरीका ना आता हो। यहाँ मैं अर्ज करूँ कि ये भी लाजम है कि हमारे जितने भी चाहे वो ताजर हों, हम हों, कोई भी पेशा को हों, हम भी अपनी नेट इनकम पर
टैक्स देने की आदत सीखें और उसको टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के लिहाज से हम भी डिक्लेयर करें। अब ये कितने दिन और मुल्क में चलेगा कि हम कहें कि हम, और लेकिन किसी एक पे इल्जाम लगाना कि वो नहीं दे रहा और हम दे रहे हैं। मैं अभी आपसे अर्ज करूं तो कितने एफपीआर के लोग खुद रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, इसका डेटा भी वो शेयर कर देना हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिस अदारे में पावर्स बेशुमार हो ना ट्रांसपेरेंसी हो ना उसमें किसी किस्म की कोई आप ये देख सकें कि उनका तरीकाकार सही है, और वो सारी पावर यक वक्त चाहते हैं कि वो लेजिस्लेचर भी हो जो वो लॉ बना दें। ये शायद स्कीम उन्होंने एक डेलीगेटेड पावर के तहत बनाई है, चाहे वो लॉ भी बना दें तो हमारे पार्लियामेंटेरियन तो उस जो भी फाइनेंस बिल जाता है उसके ऊपर आंखें बंद करके वो साइन कर देते हैं। तो जिस मुल्क में ये हालात हों, जो पब्लिक का इंटरेस्ट देखने वाले इदारे हों, जो इसको दूसरी तरफ से अदलिया हो, वो एक खुला हाथ मिला हुआ है उनको। मैं बिल्कुल इस बारे में आपको पता कितना लिखता हूँ कि हमें सबको टैक्स की कंप्लायंस करनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ ये भी लाजम है कि हम अपने सिस्टम को भी अलाइन करें और एक सादा वन पेजर रिटर्न की तरफ जाए, और सारे पाकिस्तानियों से जो अडल्ट है एक दफा रिटर्न लेकर आईएमएफ को भी बता दें कि भाई आप बार बार हमें तंग ना करें, हमारे यहाँ इतने ही टैक्सेबल लोग हैं और हम उन सबको 15% जिन्होंने दिया है और जो की काबिल टैक्स आमदनी नहीं है उनको वापस कर रहे हैं, तो एक सिस्टम में बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस का रिलेशन आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं, आप तो पहले सारे पाकिस्तानियों से टैक्स ले रहे हैं, तो अब ये भी तौयन कर लिया जाए कि उसमें से कौन से टैक्स सेबल है और कौन से नहीं है, जो नहीं है उनका पैसा वापस कर दीजिए, सही टैक्स दिया उनसे वसूल कर। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि आप मजीद भी हमारे सारे के साथ निजाम के अंदर जो जी जो फ्लॉज मौजूद हैं जिसके आप लोग हवाला भी दे रहे हैं उसके मौजूद रहते हुए भी किस तरीके से टैक्स दायरेकार को बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम प्रोग्राम में मजीद भी आपसे आगे जाके बात करेंगे। शहबाज राणा साहब, ये जो स्कीम है ये बुनियादी तौर पे किसका ब्रेन चाइल्ड था, इसके पीछे क्या वर्किंग थी, और जो अब इसके ऊपर एतराज आ रहे हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं, और मैं ये भी जानना चाहूंगी अगर आपके पास कोई इत्तलात हो कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आया था रजिस्ट्रेशन की शक्ल में मुतारफ करवाने के बाद स्कीम को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जो अजमल बलोई साहब ने स्टार्ट में बात की थी कि एक यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम आई अब्दुल्ला यूसुफ साहब के टाइम पे, जनरल मुशर्रफ का जब दौर था, वो स्कीम बड़ी अच्छी थी और बाद में जो है वो चीज़ें आगे नहीं चली, उन्होंने विड्रॉ कर ली। आज भी मुझे डॉक्टर करामल हक साहब इस पर करेक्ट कर सकते हैं, आज भी पाकिस्तान में यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम ही है। मसला ये है कि इस मुल्क में कोई भी जो है वो वॉलंटरली टैक्स सिस्टम के अंदर नहीं आना चाह रहा। अजमल बलोच साहब को बहुत अच्छी तरह याद होगा, आज तकरीबन 9-10 साल पहले जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी उस वक्त 0.6% जो टैक्स लगाया गया था, एक विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया था कैश डिपॉजिट्स के ऊपर, विड्रॉल के ऊपर, कि जी उसे वो लोगों को फोर्स किया जाएगा वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। इन लोगों ने एहतजाज किया, अजमल बलोच साहब मुझे खुद याद है हम इकट्ठे होते थे FBR में, ये वहाँ पर मुलाकातें करते थे और हम इनकी कवरेज के लिए जाते थे। इन्होंने उस वक्त वादा किया था आप टैक्स रेट कम कर दें, हम 20 लाख ताजरों को रजिस्टर करवा लेंगे, वो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुए। ये तो एक बैकग्राउंड है। और आज भी अगर अजमल बलोच साहब जाना चाहें एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ बिजनेसमैन, जी FBR की वेबसाइट पर जाएं, अपना ये रिटर्न फाइल करें, इनको कोई नहीं रोकता, कोई इनको किसी की रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आ जाता है आज की स्कीम के ऊपर। मेरे ख्याल में ये स्कीम इतनी सिंपल सादा थी और इसका जो नेटवर्क है उसमें अभी भी बहुत एक बड़ी तादाद जो ताजरों की थी उसको इससे बाहर रखा गया है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारे जो ये भाई लोग हैं ये क्यों अपना ड्यू टैक्स नहीं देना चाहते। इस स्कीम के अंदर है क्या वो, ये ठीक है इनका ये पॉइंट है जी कि जी आपने लैंड वैल्यूएशन की बेस पे कर दिया, कुछ और कर दिया, एक इंतहाई सिंपल इन्होंने एक बहुत मिनिमम टैक्स 100 रुपया मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 60,000 रुपया पर मंथ इन्होंने एक फिक्स इनकम टैक्स इन्होंने लगाया। अब जो 60,000 रुपये की मिसाल दी जाएगी एक तो है ही वो बहुत कम लोगों के ऊपर। आप और मैं इस्लामाबाद में जाके किसी कॉफ़ी शॉप पे जहाँ पे चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं वहाँ पे 800 से 1,000 रुपये का एक कॉफ़ी का कप है, वो शॉप के ऊपर अगर 60,000 रुपये पर मंथ महीने का टैक्स लग जाए, वो भी बहुत चंद शॉप्स हैं जहाँ पे 60,000 लगा है, ज़्यादातर को तो इन्होंने 100 रुपये के ऊपर फारिग कर दिया है। और इसमें 100 रुपये में भी अगर इनको, अजमल बलोच साहब को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि 50 स्क्वेयर फीट की जो एक दुकान है लाहौर में
इस्लामाबाद में या फैसलाबाद में या कराची में, उसमें करोड़ों रुपए का काम और उसके ऊपर 100 रुपया टैक्स लगा हुआ है। इसी तरह जो खोखे हैं जिनके ऊपर एक इतराज़ आता है उसके ऊपर 100 रुपया टैक्स लगा हुआ है। आखिर ये 100 रुपया टैक्स देने के ऊपर भी इनको क्यों इतराज़ है? ये स्कीम इससे ज़्यादा सख्त होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव होनी चाहिए थी। ये बारहा, ये मेरे ख्याल में अभी भी इनको रिलैक्सेशन दी गई। एक जो रिलैक्सेशन थी जो हुकूमत ने दी और IMF ने उस पर इतराज़ किया, वो ये था कि 100 स्क्वायर फीट की जो दुकान होगी रिहायशी इलाकों में, वो स्कीम से एग्जम्प्टेड होगी। वो जब IMF ने इतराज़ किया तो वो वाली जो एक क्लॉज थी वो हुकूमत ने वापस लिया, ऑल्दो उसका पब्लिक नोटिफिकेशन तो नहीं किया गया लेकिन वो विड्रॉ हो चुकी है। तो माई पॉइंट हेयर इज़ कि दिस इज़ हाई टाइम कि इनको, हमारे ताजर बरादरी को, हमारे दोस्तों को इस टैक्स नेट के अंदर आना है। ये सारे इनके बहाने हैं, हमें कोई रजिस्टर नहीं कर रहा, ये सारे इनके बहाने हैं जी, हम देना चाहते हैं, हमसे कोई ले नहीं रहा। जितनी ज़्यादती इनके साथ हो रही है ताजरों के साथ, उससे ज़्यादा ज़्यादती मेरे साथ और आपके साथ एज ए सैलरीड क्लास हो रही है। स्कीम का रिस्पॉन्स इंतहाई पुअर है। इन्होंने कहा जी हमें पहले बताया गया ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बेतहाशा अखबार में लगे हैं इश्तहारात। अप्रैल में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, वो महीना एक रजिस्ट्रेशन का था और उसमें वाजे लिखा हुआ था कि ये स्कीम 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगी और पहला जो टैक्स पेमेंट होगी 15 जुलाई से होगी। वो सारा उस स्कीम के अंदर दिया हुआ था, हमारे दोस्तों को पता था, लेकिन चूंकि उन्होंने टैक्स नेट में आना नहीं था, ये आना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने कहा जी हमें बताया नहीं गया। अगर मैं मान लेता हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा डॉक्टर इकराम साहब अगर मैं गलत हूँ, मैं मान लेता हूँ ये स्कीम गलत है, तो अजमल बरोज साहब जाएँ FBR की वेबसाइट के ऊपर, जाके अपने आपको रजिस्टर करवा ले। टैक्स इनका ड्यू है गोशवारा 30 सितंबर को, इन्होंने पे करना है अपनी जो भी इनकी लाइबिलिटी है और अपने जो एसेट्स है बताने हैं, तो जाए वहां पे जाके अपने इनकम टैक्स डिक्लेयर करें, अपने इनकम टैक्स पे करें और सेटल हो जाए। इसमें मसला क्या है? अफसा कोमिल, मैंने और आपने, हम सब ने सैलरी क्लास ने मिलकर पिछले साल दिया है तकरीबन 368 अरब रुपया टैक्स। हमारे जो भाई लोग हैं इन्होंने जो टैक्स पे किया है वो इन्होंने पे किया है 17.5 अरब रुपए का। कोई तो कहीं कंपैरिजन हो जाना चाहिए, कहीं पे तो ये लोग किसी एक जगह पे जाके खड़े हो जाएं, किसी जगह से तो ये स्टार्ट ले लें। पिछले साल बल्कि जब PDM-1 थी, PDM-1 के दौरान इनके ऊपर टैक्स लगा था 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये पर मंथ बिजली के बिलों के जरिए। उसके ऊपर एहतजाज हुआ, मरियम नवाज साहिबा ने इनको सपोर्ट किया, नई मीर अब जो दूसरे कैंप में बैठे हुए टैक्स लगवाने वाले कैंप में उस वक्त इनके साथ थे, वो वाला टैक्स भी विड्रॉ हो गया। तो स्कीम्स के अंदर इम्परफेक्शंस होगी, ये परफेक्ट स्कीम नहीं होगी मेरे ख्याल में, तो अभी भी बहुत लूज स्कीम है, इससे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, ज्यादा टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन जो भी है कम से कम हमारे ताजर बरादरी को इसे स्टार्ट ले लेना चाहिए, स्टार्ट लेना चाहिए। अब आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। अजमल साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा शहबाज साहब के इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर, जहां शहबाज साहब ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर है, तो उसका कंपैरिजन उन्होंने खुद ही पेश कर दिया कि कितनी बड़ा एक फर्क है जब आप टैक्स कलेक्शन में देखते हैं, जो तनख्वाहदार तबका दे रहा है इस कौम की मईशत को और दीगर तबका दे रहे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आके मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं ताजरों की तरफ से पूरे मुल्क में हड़ताल की जा रही है, हुकूमत की तरफ से जो ताजर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई गई थी उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं, उसको वापस लेने का मुतालबा है, लेकिन साथ साथ बिजली के बिलों के हवाले से और जो कुव्वत खरीद कम होने की वजह से मुल्क की ताजर बरादरी को नुकसान हुआ उसका भी हवाला दिया जा रहा है। अजमल साहब, ब्रेक से पहले शहबाज राणा साहब ने बड़ा तफसीली तौर पर बात की, एक तो ये है और एक और बात भी बड़ी जुबान ज़देआम है पाकिस्तान में कि हुकूमत जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। शबर जैदी साहब फॉर्मर चेयरमैन है FBR के, वो बड़ा बर्मला इस बात को कहते हैं कि जब भी टैक्स लगाने की बात की जाती है हड़तालों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, हत्ता के उन्होंने रिटेल माफिया और शटर पावर के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हड़ताल करने वालों के हवाले से। ये उनका एक माजी का बयान है, सो आप उस पर भी रिस्पॉन्ड करें। और शहबाज साहब की देखिए, जहां तक शबर जैदी साहब की बात है ना, ऐसा बेकार चेयरमैन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसको बात करनी नहीं आती, पता नहीं वो चैनल पे आके किस तरह बातें कर लेते हैं। हम उनके साथ मीटिंगें करते रहे हैं। हम देखें जो शहबाज राणा साहब बात करें, मुझे तो लगा है शहबाज राणा साहब जो है साफ़ी कम और FBR के बंदे लग रहे हैं। गुजारिश ये है कि हम अब्दुल्ला यूसुफ के वक़्त से ये बात कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड करना है, तो ऐसा करें जितना ताजर है ये कमर्शली मीटर होल्डर है, डेटा आपके पास मौजूद है, हर बिजली के बिल पे 10% इनकम टैक्स आप वसूल कर रहे हैं, 18% सेल टैक्स वसूल कर, उसको रजिस्टर कर लें, और कौन सा मुश्किल काम है? आज तक ये क्यों? अब्दुल्ला यूसुफ सन 2002 में हमने उनसे कहा, कई PTV उस वक्त मैं उनके साथ बैठ के कहा, आज प्रोग्राम निकाल लें, उसमें कहा होगा कि जो कमर्शियली मीटर होल्डर है वो दुकानदार है। इस वक्त पाकिस्तान में 1.25 करोड़ ताजर है,
अगर कमर्शियल बिजली के मीटर पे बिल आता है आप उसको रजिस्टर कर लें, आप उसको क्या रिटर्न फाइल करें। लेकिन अजमल साहब अब आप ये बताइएगा कि जो शहबाज साहब ये दावा कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ ये तमाम बातचीत हुई थी, ये फिर आप रिजेक्ट करते हैं इस दावे को? देखिए जो ताजर दो स्कीम की बात है ये जाने वाले चेयरमैन साहब ने आखिरी दिनों में हमें बताई है, हमने कहा सच बोलें ये है क्या है यकीन करें। देखिए ये जो कह रहे हैं ना 100 रुपये देना है, ओ भाई हमने कहा है कि अगर 50 लाख या 70 लाख ताजर रजिस्टर्ड नहीं है आप उनको रजिस्टर्ड करें 1200 रुपये भी ले लें, रजिस्टर्ड कर लें, वो फाइलर बनाए उनको और अगले साल वो रिटर्न फाइल करें। 4.5 लाख लोग जिनको इन्होंने कुछ अर्सा पहले रजिस्टर्ड किया था, लोग नंबर ले लेते हैं, NTN नंबर लेते हैं गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, वो 4.5 लाख निकल चुका है, उसका जिम्मेदार ताजर है, वो 4.5 लाख जिनको आपने NTN जारी किया। सर लेकिन आज मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये अजमल साहब के हर तरह के दावे किए जा रहे हैं स्कीम, जो शहबाज साहब कुछ चीज़ों को जो कह रहे हैं कि एक बेयर मिनिमम जो अमाउंट है उसके ऊपर भी एतराज़, कैसा कि अगर आप 50 स्क्वायर फीट की दुकान है तो उस हवाले से कुछ चीज़ें तो वाजे हैं, उसके हवाले से अखबारों में आज ऐसी भी खबरें आप लोगों के मुख्तलिफ नुमाइंदगान की तरफ से कि इतनी छोटी दुकान वाले से भी 60,000 और 50,000 रुपया तलब किया जा रहा है, तो आप ये समझते कहीं कुछ कम्युनिटी वाले ने मुझे नोटिस भेजा है कि 15,000 मेरा किराया है, मैं मुर्गी बेचता हूं, मुझे 60,000 रुपये महीने का नोटिस आ गया। बात यह है कि इस तरह नहीं होगा, जिस तरह शहबाज साहब बात करें, इतना आसान होता ना तो ये कब के हो चुके थे। हमने जो स्कीम पहले ली थी नून लीग की गवर्नमेंट में, हमने इनको कहा था कि 10 लाख 20 लाख ताजर आ जाएंगे। आप देखिए 3 माह में 10,000 लोग उसमें एंटर हुए थे, वो इस तरह नहीं थे, उन्होंने टैक्स भी दिया था भाई, वो दरवाजा खुला रखते ना, जो नेट में नहीं है उसको लाने की। देखिए पाकिस्तानी ताजर पढ़ा लिखा नहीं है, ये सच बात है, लिटरेसी रेट वैसे मुल्क का कोई नहीं है, ताजरों में तो जो स्कूल नहीं जाता उसको हम दुकान पे बिठाते हैं, वो ये चीज़ें नहीं समझ सकता। जितना FBR के लोग हैं या हमारे जो उनके रिटर्न फाइल करने वाले हैं, जाली नोटिस दे दे के उनके इतना टैक्स ले लेते हैं, इतना उन पर बनता नहीं होता जितना जाली जेबों में डाल लेते हैं। ये जो उर्दू के फार्म की ये बात कर रहे हैं, 25 साल हो गए मेरे साथ ये भी बैठे होते थे, हर वजीरे खजाना ने कहा है कि हम उर्दू में फार्म देंगे, आज तक उर्दू हमने पिछली हुकूमत में हमने बना के दिया है, नहीं लागू हुआ, अभी इनको भी बना के दिया है नहीं लागू हुआ। ओ भाई मसला ये है कि हम सच नहीं बोल रहे हैं लोगों से, हम टैक्स कौन नहीं दे रहा है। अच्छा जो बात आती है कि जी तनख्वाहदार तबका दे रहा है, तनख्वाहदार तबका में प्राइवेट लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकारी लोग उनको तो तनख्वाह हमारे दिए हुए टैक्स, देखे सनतकार ताजिर और प्राइवेट जो मुलाजिम है वो टैक्स अदा कर रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में, मेजॉरिटी बड़ी तादाद में अदा कर रहा है। जो सरकारी मुलाजिम है उसको इस पैसे से तनख्वाह मिलती है, उसमें से वो 10,000 रुपये कटवाता है, 5 लाख की फैसिलिटियां ले लेता है। मैं अगर आपने शहबाज साहब को क्योंकि मुखातिब किया तो शहबाज राणा साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें अजमल साहब ने आपके हवाले से जो कमेंट किया, और साथ ही इस पे भी एक कमेंट कर दीजिएगा फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी कि कोई भी पॉलिसी लाने से पहले FBR के हवाले से उनके जो लोग हैं उसके हवाले से जो बदउनवानी के इल्जाम सकते हैं, हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई ऐसी खबर भी आती है सामने, उन चीज़ों को आप नहीं समझते कि साथ ही एड्रेस करना चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके? देखिए अजमल बलोच साहब ने मुझे कहा कि मैं FBR का नुमाइंदा लग रहा हूँ, ये इनकी ज़रा नवाजी है कि इन्होंने मुझे सिर्फ FBR का नुमाइंदा कहा, उसे आगे कुछ नहीं कह दिया। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है सच बात करना, और हकीकत ये है कि हमारे जो ताजर दोस्त हैं ये आज से नहीं कई दहाइयों से ये धमकियाँ दे के कि हम शटर डाउन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गवर्नमेंट को ये कंप्रोमाइज़ करवा लेते हैं, और हो सकता है इस गवर्नमेंट से भी कंप्रोमाइज़ करवा लें क्योंकि ये गवर्नमेंट सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर है और हो सकता है इनका दबाव बर्दाश्त ना करें। लेकिन ये बात जो है ये कंप्रोमाइज़ अगर गवर्नमेंट कर भी ले तो ये सच्चाई को नहीं रोक सकती। सच्चाई ये है कि इस मुल्क के जो ताजर बरादरी है वो ज़्यादातर वो टैक्स नहीं देना चाहते, इनको कोई नहीं रोक रहा कि ये FBR की वेबसाइट पे जाएं या अपना कोई इनके पास अगर इन्होंने अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं या ये इनके ये ताजर बरादरी है ये काम करते हैं, इनकी माशाल्लाह समझदार लोग हैं, ये एक वकील को साल के बाद 5,000 रुपये पे करके अपना गोशवारा जमा करवा सकते हैं अगर इनका ये दावा कि इनको पता नहीं है। ठीक है मैं इनकी ये बात हरगिज़ नहीं मानता, इनकी नीयत नहीं है सिस्टम के अंदर आने की, इनकी नीयत नहीं है टैक्स देने की, चोर है, मेरी गुजारिश ठीक है, चोर होगा अजमल बात आपकी ठीक है,
टैक्स लेने वाला राम साहब की लाइन मुनकता होगी, हम कोशिश करते हैं उनसे दोबारा रब्ता, आपके यही बात उनकी तरफ लेके जाएंगे। डॉक्टर इकराम साहब, अब यहाँ पे अब जो बहस हो रही है, हमने देखा सियासी जमातें बिलखसूस नून लीग की हुकूमत जब होती है तो उनके अराउंड इलेक्शन से पहले ये डिबेट होती है कि तस्वर किया जाता है ताजिर दोस्त, लेकिन अब अजमल साहब तो अपने इख्तलाफात रखते हैं जो हमारे सामने भी रख रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये कुछ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसको भी हमें बहस करनी चाहिए? ये तो हम बहस करते ही हैं कि FBR जो है वो उसके अंदर क्या खराबियां हैं या वो कितने कॉम्पिटेंट है। ओवरऑल मसला मैं अर्ज कर रहा था कि सिस्टम का है, अगर सिस्टेमिक इश्यूज को हल ना किया जाए तो ये चीज़ें पैदा होती रहती हैं। मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मेरा ख्याल ये है कि जब हम ये अर्ज कर चुके कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान का हर अडल्ट जिसके पास बायोमेट्रिक से एक मोबाइल नंबर हासिल है और वो 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहा है, तो गोया के रियासत ने हर एक शख्स पर भले उसकी कोई काबिल टैक्स आमदनी थी या नहीं थी उससे एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स वसूल कर लिया। चले ये बात तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सब लोग इससे एग्री करेंगे, और ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस 1 जुलाई से फिर कह दिया गया है कि इसमें से जो नॉन फाइलर होंगे उनका रेट भी हम 70-75% कर देंगे, ये भी बात ठीक हो गई। अब मुझे बताइए कि मैं एक अरसे से पूरी दुनिया से कर्जे ले रहा हूँ कि मैंने ऑटोमेशन करनी है, रोज़ मैं हुकूमत पाकिस्तान मकरूज होती चली जा रही है और किस नाम पे कर्जे लिए जा रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स के नाम पे। ये सिलसिला 2001 से शुरू हुआ मुशरफ साहब के ज़माने से, फिर ये रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट, कितने मैं इस पर किसी वक्त तफसीलें बहुत लिख भी चुका हूँ। और हालत ये है कि हम उनमें से लोगों को सबसे को रजिस्टर नहीं क्या कर पा रहे, क्या कबाहत क्या है? हम एक ही दफ़ा कह रहे हैं कि ये सारे के साथ देखिए, जिसने टैक्स अदा कर दिया एडवांस एडजस्टेबल तो वो टैक्स पेयर तो हो गया ना, आप उसे रिटर्न इसलिए ली जाए कि आप कहें कि भाई हमने पाकिस्तान में ये कानून बनाया है कि भले किसी की काबिल टैक्स आमदनी है या नहीं है, चूंकि वो एडवांस इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उस पर गोशवारा भी दाखिल करना लाजिम है, और उसके लिए एक सादा 1 पेजर 4 सवाल पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आप ये बता दें कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप एम्प्लॉयड हैं, फिर अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो उसका नाम लिख दें अपने एम्प्लॉयर का, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने बिजनेस का प्रोफेशन का जिक्र फरमा दें, नीचे एक फिगर में पूछ लें कि व्हाट इज़ योर नेट इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गया, उसका टैक्स जो है वो बता देगा, आपके पास सिस्टम में जिसका भी विदहोल्डिंग टैक्स आया हुआ है उसका आप क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने मसला हल कर दिया कि कल जब हम सारे उठें, और मैं ये करना चाहूँ तो पाकिस्तान में कम अज़ कम 70 मिलियन, मैं ये 100 भी हो सकते हैं, चलिए मैं 70 मिलियन रखता हूँ, क्योंकि इस वक्त 193 मिलियन तो सिम्स जारी हैं, चले उनमें से किसी के पास 5-5 भी होंगी, 4-4 भी होंगी, मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, आप 100 मिलियन तो कल हम IMF को बता सकते हैं कि जी ना सिर्फ पाकिस्तान के सारे लोग टैक्स अदा कर रहे थे एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स, उसके साथ साथ उन्होंने अपने गोशवारे भी दाखिल कर दिए हैं, वो सिंपल हमने हासिल कर लिए हैं, और उसमें से फिर आप देख लें कि जिन्होंने ग्रॉस अंडरस्टेटमेंट्स की हैं उनके पास आपके पास ज़राए मौजूद हैं, आपके पास विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स आती हैं। अब जो थर्ड शेड्यूल है सेल टैक्स का, जिसमें सारी कंज्यूमर गुड्स के सप्लायर जो हैं उनके ऊपर एक टैक्स प्रोविजन आई थी 108A यानी 108A, और कहा गया था कि अगर उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एंड रिटेलर तक लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनका 75% जो है वो समझा जाएगा उनकी इनकम, और 10% जो मार्जिन होगा उसको जो लोग होंगे नेट में उस पूरी सप्लाई चेन में उनकी इनकम समझ लिया जाएगा। क्या इस पे अमल दरामद किया FBR ने? ये तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था। आप मुझे बता दें कि 3 साल में क्या हमें लीवर ब्रदर के डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहीं पता, जो पाकिस्तान में ये कंज्यूमर गुड्स थर्ड शेड्यूल में जिनका जिक्र है ये किन किन रिटेल्स वालों को बिकती हैं, क्या उनके पास डेटा नहीं होता है, वो अपने साल की प्रोजेक्शंस करते हैं। देखिए मेरी बात, यहाँ अगर हम ब्लेम गेम में पड़े रहे कि जी FBR वाले खराब है, हम वो है, ये हमें बात करनी चाहिए कि देर इज कंप्लीट लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एफिशिएंसी, यानी कि हमारा बड़ा मसला जो है वो क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन का है। ये मैं
उस लॉ से और सेल टैक्स से आपको कई प्रोविजन बता सकता हूँ जिनका मकसद ही रजिस्ट्रेशन था, और वो रजिस्ट्रेशन भले चले हम एक तरफ रख देते हैं जी लोग इसलिए नहीं नेट में आना चाहते कि उनसे 5 साल की रिटर्न मांगी जाती है, तंग किया जाता है, इसको एक तरफ रख दें। मुझे किस चीज़ ने मना किया था कि मुझे किस चीज़ की सरकार तनख्वाह देती है, मुझसे अवाम के पैसों से किस चीज़ की जो तनख्वाह दी जाती है अगर मैं अपना काम नहीं कर सकता, अब मैं कंप्लेन नहीं कर सकता अपनी ऑफिस की इन एफिशिएंसी को, तो मान लेना चाहिए कि ये रोज पॉलिसियां बदलना, जो बात की जा सकती हो वो ना करना, सिंपलीफाइड ना करना, जितना सिंपलीफिकेशन पे हमने लिखा और जो तजावीज पेश की उसको तो IMF वर्ल्ड बैंक भी मानता है, मगर FBR वाले उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि सिंपलीफिकेशन से करप्शन खत्म होती है, उससे जो आपकी आर्बिट्रेरी पावर्स हैं वो खत्म होती हैं, और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती, कौन है जो इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहता, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। ट्रांसपेरेंसी लोग नहीं उससे खाइफ, अगर मैं आज ये कह दूं कि जी मैं हर एक रिटेलर पे POS लगा दूंगा और 4% सिर्फ इनकम टैक्स और 1% वो समझिए कि 4% सेल टैक्स और 1% इनकम टैक्स हर महीने, वो तो लोगों से फिर कलेक्ट करेंगे ना, जाहिर है POS लगा हुआ है मैं भी दे रहा हूँ, ये सारे का सारा टैक्स हुकूमती खजाने में हर रिटेलर का चला जाए तो $15 बिलियन एनुअली आते हैं, ये कैलकुलेशन मैंने जो रिटेल सेल्स की पूरी सिचुएशन, लेकिन ये क्यों नहीं होने देते, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई किसी किस्म की करप्शन नहीं होगी, कोई ताजर नहीं कहेगा मैं क्यों टैक्स दूं, ताजर ने अपने पल्ले से टैक्स सेल टैक्स नहीं देना, उसने मुझसे 4% लेके आप 18% रखते हैं, तो शुरू मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपकी इम्पोर्ट से लेकर उसमें अंडर इन्वॉइसिंग अप्ले ये स्टेट करवा रही है, इतना हाई रेट रख के करप्शन के दरवाजे खोलती है और फिर लोगों को ब्लेम करती है। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अजमल साहब जो बात अभी हुई, अब मैं वे आउट भी आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो बड़ी खूबसूरत बात कर, यही बात मैंने आपसे की है, आप बिल्कुल बिजली के बिल के ऊपर सेल टैक्स को छोड़ दें, सेल टैक्स हमारा इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स के पास वसूल हो रहा है, आगे आ रहा है, आवाम पे लग रहा है वो सारा, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिजली के बिल पर जब आप 10% इनकम टैक्स एडवांस ले रहे हैं नॉन फाइलर से, तो उसको रजिस्टर कर लें, उसका नहीं सुने, उसका टैक्स तो आप ले रहे हैं, टैक्स आपके पास आ रहा है, वो आपके अकाउंट में आता है उस बिजली के बिल से, हुकूमत को FBR को जाता है वो टैक्स, तो उसको रजिस्टर कर ले, कौन सा मुश्किल काम है। मैं इस पे भी, अजमल साहब मुझे ये बताएगा, अब हुकूमत आज की तारीख में दिन में मुसर इस बात के ऊपर है कि इस स्कीम को तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन ये भी बयान है कि ताजरों के साथ बैठेंगे मजीद बात करेंगे। देखिए ये तो हम उनसे बात करेंगे ना कि क्यों नहीं वापस लेते, जब हम बात करेंगे नहीं तो अब वे आउट क्या है कि इसी में कुछ तब्दीलियां कर ली जाए भी, तो हमने इनको तब्दीलियां, हमने कहा जो फाइलर है उसका क्या कसूर है, जो ऑलरेडी फाइलर है जो आपको टैक्स दे रहा है। देखिए राणा साहब ने एक बात की कि शौकत अजीज के वक्त जो था सेल्फ, आज भी सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने महकमा को दूर कर दिया था कि महकमा किसी प्रेमिसेस में नहीं आ सकता, किसी दुकान पे नहीं आ सकता, अब महकमा हमें नोटिस भेजता है, पैसे ले जाते हैं लोगों से, एक एक दुकानदार को कहते हैं मंथली मुके हमारे साथ, यहाँ POS मशीन लगी है ना, ये पॉइंट ऑफ सेल की हमने लगवाई है कि भाई लगाएं जो अपना ब्रांड है, जो चैन है, जो सारी बातें आप लोगों ने FBR के सामने रखी जो आप लोगों की मीटिंग कर करके थक जाते हैं ना, वो सुनते हैं बदउनवानी होती है, करप्शन होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, रिफंड हो जाएगा, ओ भाई ये जो कुछ लोगों ने अभी FBR में जाली रिफंड के नाम से, वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट है, जाली रिफंड के नाम से पैसे निकाले हैं, इसी तरह ये जो 12 लोग निकाले गए FBR से, इन्होंने क्या किया था, ये उन लोगों को सपोर्ट करते थे जो टैक्स बड़े लोग हैं, जिनके केसेस कोर्टों में पड़े हैं, FBR उनको पूछता ही नहीं है, मुझे अदालत ने कहा एक दफा कि आप सालसी काउंसिल बनाएं, 12,000 टैक्स के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़े हैं कि आप इसकी सालसी करें और FBR और इनके दरमियान में बैठ के हल कराएं, ये वो है काम करने वाले जो हम करते नहीं है, सिर्फ सॉरी मेरी बात, जब तक आप करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना, देखिए हर वजीर आजम कहता है कि FBR को हम ठीक करेंगे, भाई कोई खराबी है तो ठीक करेंगे ना, शबाद राणा साहब बेशक कहें हम गलत हैं और FBR ठीक है, वजीर आजम मुल्क का कहता है कि FBR करप्शन में भरा पड़ा है, इतने अरब FBR खा जाता है, तो फिर मानना पड़ेगा शहबाज साहब को कि FBR को पहले ठीक कर लें,
ये चीज जैसे डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे कि आप ऐसा कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डंग टपाऊ देन करेंगे ना तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, शहबाज साहब की हड़तालें होती रहेंगी। शहबाज साहब, अब क्या ही बहस हो इस मौजू के ऊपर कि जब FPR के ऊपर ही इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं करप्शन के हवाले से, जो आपने भी गुफ्तगू सुनी। नए चेयरमैन FPR का चार्ज संभाला कुछ अर्सा पहले राशिद लंगड़ियाल साहब ने, क्या उनको आपकी इत्तला के मुताबिक इस मामला का, इस सूरत हाल का इदराक है? ये तमाम ताजिर बिरादरी ये शिकायत उनके सामने भी रखती रही या उनसे पहले जो FPR के चेयरमैन मौजूद थे, ये कुछ मुख्तलिफ कर सकते हैं इस सिलसिले में? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस हवाले से? देखिए मिस अब साहब, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि FPR ठीक है और ना मैं ये कह रहा हूँ कि ताजिर ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम्स दोनों साइड के ऊपर है। अगर FPR के अंदर करप्शन है तो आपकी पुलिस के अंदर भी करप्शन है। आप क्यों जाते हैं, जब आपकी गाड़ी चोरी होती है किसी की, घर पे डाका पड़ता है तो क्यों जाते हैं पुलिस के पास? पुलिस में तो बहुत करप्शन है, वो आपसे पैसे भी लेती है और आपकी देखिए ये मजबूरी होती है ना। तो यहाँ पे भी आप इसको अपनी कौमी जिम्मेदारी समझिए कि आपने टैक्स देना है। टैक्स इस मुल्क में सिर्फ सैलरीड क्लास से लेना है, तनख्वाहदार तबके को मारना है आपने, क्योंकि FPR चोर है इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे। भाई ये क्या लॉजिक है? पाकिस्तान के अंदर आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर हेल्थ सेक्टर आपका जो अच्छा नहीं, आपके हॉस्पिटल अच्छे नहीं, आप क्यों जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? आपके पास ऑल्टरनेट है। पॉइंट यहाँ पे बड़ा एक सिंपल है कि अगर हम ये कहते रहेंगे कि पहले FPR को ठीक करो तो फिर हम टैक्स देंगे, इसका मतलब आप टैक्स देना ही नहीं चाहते। आपको पता है कि FPR ठीक नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, जो डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने बात की है वो बड़ी वैलिड बात है कि FPR की इसमें जरूर कोताही है कि वो ताजरों के पीछे नहीं जा रहा है। आज भी FPR नहीं, सुनिए, आज भी FPR के पास 6 लाख उन ताजरों का डाटा मौजूद है जो सेक्शन 236H में विद होल्डिंग टैक्स पे करते हैं, और 1.5 लाख होलसेलर्स एंड रिटेलर्स का डाटा है। ऐसा नहीं कि इनके पास डाटा नहीं है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है, विल नहीं है। यस, दे टेक ब्राइब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ें बिल्कुल भी ताजरों को इस चीज़ से वो एग्जाम्प्ट नहीं करती कि अपनी वो नेशनल लीगल ऑब्लीगेशन पूरी ना करें। इनको पूरी करनी है। ये अगर इनके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है तो मेरे ऊपर भी लगता है, अगर इनके ऊपर बाकी टैक्सेस लगते हैं बिजली के ऊपर तो मेरे ऊपर भी लगते हैं। मैं 370 अरब रुपये साल का टैक्स दूं, ये 17 अरब रुपया दें, मेरी तनख्वाह जो है वो ग्रॉस के ऊपर है, इन्होंने जाके अपना एक नेट खालिस आमदन के ऊपर खर्चे निकाल के टैक्स देना, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? एक तो वैसे ही सैलरीड क्लास को स्क्वीज किया हुआ है, ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लगाते हैं वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, हुकूमत कमज़ोर है, इनके ऊपर स्टैंड नहीं ले सकती, और यही वजह है कि आज हम वहाँ पर जाके खड़े हो गए हैं। यकीन मानिए, अगर कल इस मुल्क में बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो ताजरों की वजह से पैदा नहीं होगी, सैलरी क्लास की वजह से पैदा होगी। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। शहबाज साहब, एक और बात कहेगा जो मेरा बुनियादी सवाल था, अब जो मौजूदा जो FPR चेयरमैन, अगर आपकी उनसे कोई मुलाकात या इंटरव्यू हुआ तो उनको इदराक है इस बात का कि ट्रस्ट का फुकदान इस वजह से है जो अजमल साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं बातें, डॉक्टर साहब भी इनसे इत्तफाक करें, और दूसरा आज की जो सूरत हाल है इस स्कीम के हवाले से इनका एतराज़ ये है कि इसको वापस लिया जाए, कोई चांसेज आपको इसके नज़र आते हैं या फिर बातचीत से मसला हल करने के भी कोई चांस नज़र आते हैं आपको? देखिए, FPR के जितने बुरे हालात हैं ना, इसके बावजूद जो भी प्राइम मिनिस्टर एक्शन ले रहे हैं, जो भी उन्होंने फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं, मैकेंजी वगैरह, वो हल की तरफ नहीं मुझे जाते हुए नज़र आ रहे। ये डंग टपाव की अप्रोच FPR की है, ये ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, इसमें मुझे बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। टास्क फोर्स भी बन गई, टास्क फोर्स क्या कर लेगी? जहाँ तक आज की स्कीम वापस लेने का मामला है, हुकूमत इंतहाई कमज़ोर है सियासी तौर पर, अगर ताजरों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला तो हो सकता है हुकूमत बैकआउट भी कर जाए। मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि हुकूमत स्टैंड कर सकती है, मुझे ये लग रहा है कि अगर दबाव एक हद से बढ़ा तो हुकूमत रिलीफ देने के पोजीशन में शायद आ जाए, लेकिन अगर हुकूमत ने रिलीफ दी तो उसके बाद फिर मैं और आप हम सब अपील करेंगे सैलरीड क्लास को कि वो भी सड़कों पर आ जाए, यही तरीका है अपनी जान छुड़ाने का। अजमल साहब, अब फिर आप लोगों का इस सूरत में क्या आगे लाहेमल? वैसे शहबाज साहब तो कह रहे हैं इसको रूल आउट नहीं कर रहे कि वो वापस भी ले लें दबाव में। शहबाज साहब इधर आ गए हैं, मैं रिकमेंड करूंगा इनको चेयरमैन FPR लगा दें। सर, ये मुनासिब बात नहीं होगी अजमल साहब, मुझे इस पे आपसे एहतजाज करना पड़ेगा। ये कहते हुए कि शहबाज राणा साहब इकोनॉमी के हवाले से जब रिपोर्ट करते हैं तो बतौर सहाफी हमारे लिए वो बड़ी मेरी राय है, ये मेरी राय है ना, आप मेरी राय कबूल करें, मैं आगे से सिर्फ एहतजाज अपना रिकॉर्ड। वो जब कहेंगे कि ताजर ऐसे हैं तो मेरा भी हक है, आप जरूर कह सकते हैं सर, मैं अपने तौर पर भाई बात ऐसी नहीं है। देखिए, निज़ाम को शफाफ बनाना होगा। आज चाइना क्यों तरक्की कर गया है कि करप्ट आदमी को सर में गोली मारते हैं? गुजारिश यह है कि जब तक आप
करप्शन पे सजाए मौत का बिल पास नहीं करेंगे ना कोई इदारा मार। देखिए पीआईए को हम ताजरों ने खर खत्म किया, ये तो कानून की बात हुई है, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ स्टील मिल को ताजरों ने तबाह किया है, स्टील मिल को ताजरों ने पीआईए को खराब किया है, जितने मुल्क के इदारे अरबों रुपए के खसारे में हमने खराब, किसी ने बड़ा खूबसूरत लेकिन दाई साहब अगर हम अजमल साहब अगर हम इस किस्म की गुफ्तगू करें कि इसी को इसको गोली मार दी जाए और उसको नहीं तो फिर तो कहा जाएगा ये सिविल नाफरमानी है जिस किस्म की गुफ्तगू आज आप लोग अपने मैं हर एक को गोली नहीं कह रहा हूँ। चाइना ने 350 वजीरों को गोली मारी है, करप्शन पे मारी है भाई, ये तो बात मैं कर सकता हूँ ना कि चाइना ने मारी है, मुल्क ठीक हो गया। देखिए सुने ना, ये ला इलाहा मोहम्मद रसूलल्लाह के नाम से बना, इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ये इस्लामी मुल्क है, हमारे हुक्मरान पैबंद लगे कपड़े पहनकर हुकूमत करते रहे। देखिए जब तक हुकूमत अपने अखराजात खत्म नहीं करेगी, बड़ी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरेगी, हर रोज हमें पता चलता है चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ गई है, 10 लाख हो गई है, 20 लाख हो गई है, ये जब होता रहेगा तो लोग भी सोचेंगे कि हमने किन को टैक्स देना है जो हमारा सारा टैक्स ये खा जाते हैं। टैक्स आज तक इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ये एक पोली क्लिनिक अस्पताल है, उसकी हालत देखिए, उसकी इमरजेंसी एक सरकारी क्वार्टर के अंदर है। आज तक हमने जो जापानियों ने अस्पताल बना दिया था उसको रेनोवेट नहीं कर सकते हैं, तो हम पैसे जाते किधर हैं? मोहसिन जुगनू, में आखिरी बात करूं, मोहसिन जुगनू ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि हम जो मांग पिन के लाते हैं आपस में बांट लेते हैं, ये डेवलपमेंट के नाम के जब हम पैसे एमएनएओ को एमपीओ को देंगे, हमारा टैक्स जब तक मेरा टैक्स सुने, जब तक मेरा टैक्स मुझे लगेगा कि हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। हड़ताल जारी रहेगी? जी हड़ताल एक दिन की थी आज हमने। हाँ। अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मानती है, देखे हम टैक्स देना, हम मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हमारे साथ बैठे, वो आसान तरीका बताएं, हम इनको टैक्स देने के लिए तैयार हैं। ये एकदम से कहते हैं कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एकदम से कहते हैं इतना टैक्स ले ले, टैक्स का तरीका कार है, 1.25 करोड़ ताजर है, रजिस्टर्ड का बड़ा आसान फार्मूला है कि एडवांस टैक्स, डॉक्टर साहब कह रहे हैं एडवांस टैक्स इस बिजली के बिलों पे वो दे रहे हैं, उसको रजिस्टर कर लें, बहुत शुक्रिया, उसको कहें साल बाद रिटर्न फाइल कर दें। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, शहबाज राणा साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप तीनों के कीमती वक्त के लिए। नाजीन एक के लिए ये चैलेंज नजर आता है ताजरों का की जो हड़ताल है, दूसरा IMF के हवाले से भी कुछ खास पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही, जो कहा गया था और दावे किए गए थे कि कर्ज को रोल ओवर करवा लेंगे शहबाज राणा साहब की ही आज की खबर के मुताबिक, उसमें भी हुकूमत अभी तक नाकाम नजर आती है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।